दोस्तों, ये शेयर 10 गुना मल्टीप्लायर बनने का दम रखता है क्या? ये अब देखो 75 रुपए पर चल रहा है, 750 पर कैसे जाएगा? दोस्तों इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो लाखों रुपए आप तो लगा देते हो लेकिन 10 मिनट दोगे नहीं, सिर्फ आधा अधूरा देख के चले जाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। दोस्तों पैसा कमाने के लिए उसके सिर्फ टिप पर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों पूरा समझना चाहिए कि प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है, तभी आप समझ पाओगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो तब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों तो लो देखते हैं। दोस्तों अभी इस कंपनी में देखो पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसका देखो 76 रुपीज के आसपास अभी रेट चल रहा है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ताकि आपको पूरा विश्वास हो सके। दोस्तों ये कंपनी देखो शुरू किया था मिस्टर देवेंद्र शाह ने 1992 में। इनका ये देखो 100% यहाँ पर किसमें फ्रेश काउ मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में था। 10 प्रोडक्ट्स उन्होंने कैटेगरी शुरू किए थे। और यहाँ पर आप देखोगे तो इनका मार्केट शेयर भी देखो अच्छा खासा लीडरशिप पोजीशन पर है। यहाँ पर आप देखोगे देखो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन चीज में, पूरा इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। 35% इनका मार्केट शेयर है दोस्तों। और यहाँ पर काउ घी कैटेगरी में भी यहाँ पर देखो हम लीडरशिप पोजीशन पर है। गोवर्धन घी के नाम से आपने देखा होगा। तो इस तरह से आप देखोगे हर एक लेवल पर इनका, और इंडिया की जो फर्स्ट ये शुरू करने वाली कंपनी है मेड इन इंडिया B2C कैटेगरी में। यहाँ पे प्रोटीन पाउडर है, यहाँ पर ये ब्रांड नेम जिसका है अवतार में 2017 में इन्होंने शुरू किया था। और यहाँ पर इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर फ्रेश पनीर का भी चालू किया। 75 डेज शेल्फ लाइफ तक वो चलता है दोस्तों। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा इनका पॉजिटिव साइन है। और इनका पूरा इंडिया में देखो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी उन्होंने लगाया है। 40 मेट्रिक टन पर डे यहाँ पर की कैपेसिटी का है यहाँ पर रॉ चीज़ का प्रोडक्शन जो करता है। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखा जाए तो अलग अलग है यहाँ पर आपको, जैसे कि गोवर्धन ब्रांड में एवरीडे डेयरी प्रोडक्ट्स है, घी मिल्क यहाँ पर आप फोटो में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी है, घी मिल्क फिर कर्ड, हर एक लेवल पर देखो यहाँ पर सब इनका प्रोडक्ट्स कैटेगरी बताया गया है। ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला और सब देखो यहाँ पर टॉप अप यहाँ पर है इनके कैटेगरीज में। तो इस तरह से एक अच्छा खासा देखो फास्ट ग्रोइंग एकदम है इनका ये कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे तो। और आगे चल के देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू इनका मिक्स किस तरह से आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 67% इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है और 18.6% फ्रेश मिल्क से आता है और मिल्क पाउडर से, स्किम मिल्क पाउडर 12.8% है और अदर इवन 1.2% है। इस तरह से इनका रेवेन्यू मिक्स है। और यहाँ पर देखो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनका बढ़ाते जा रही है, 64% से 77% कर दिया है ये 23 दिसंबर 2021 के कोकोटरी में यहाँ पर देखा जाए तो। दोस्तों और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इनके फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखो मंचर महाराष्ट्र में, फिर पालामिनेर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा में है सोनीपत पर। और इनका देखो हाई एकदम टेक्नोलॉजी भी जबरदस्त इनको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। 135 डिग्री सेल्सियस के अबाव फिर भी इनका यहाँ पर हीटिंग चलता है इसमें, जो कि बैक्टीरिया को मार देती है। इस तरह से अच्छा खासा इनका टेक्नोलॉजी है जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी बेस पर इन्होंने ये शुरू किया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों पूरे एशिया में ये सिर्फ 2 फैसिलिटी है, एक इनके पास और एक एशिया का है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव साइन इनका बताया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने अभी अभी एक एक्वायरेशन भी किया था ये डानोन फैसिलिटी के, सोनीपत की फैसिलिटी यहाँ पर, ये डानोन फूड को ये कंपनी है उनको उन्होंने एक्वायर किया था अगस्त 2018 में। और जो कि मिल्क और कर्ड ये प्रोसेस करती है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर साइन है। उनकी एक सब्सिडरी भी है भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म्स, यहाँ पर ये भी ये इनके यहाँ पर शुरू हो रही है। इसमें R&D का सेंटर भी है यहाँ पर दोस्तों, जो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो 2300 काउज है, 35 एकर का पूरा जमीन फैला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग है दोस्तों, यहाँ पर हर एक लेवल पर देखो दिया गया है बहुत। यहाँ पर 29 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग देखो सब जबरदस्त 3000+ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इनके हैं। और हर एक लेवल पे यहाँ पर ये न्यू डेवलपमेंट भी करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर गो चीज पिज़्ज़ा यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है, गो चीज़, फोर चीज़
ये सब नए नए यहाँ पर इन्होंने शुरू किए, न्यू प्लांट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो हर एक लेवल पे यहाँ पर है दोस्तों, चल रहा है इनका। और जो यहाँ पर देखो इनका ये, और एक नया न्यूज़ है इसमें, इन्होंने सीईओ के पोस्टमैन जो थे मिस्टर वेंकट शंकर, इन्होंने रिजाइन किया था, और दूसरे दूसरे सीएफओ का भी अपॉइंट हुआ था यहाँ पर, बताया गया यहाँ पर ये न्यूज़ है। और दोस्तों अभी यहाँ पर दिसंबर थोड़ा यहाँ पर नहीं, सीएफओ ने अभी दिसंबर 21 में नहीं एक छोड़ दिया था, तो इसने इनका फाइनेंशियल में भी मार्च का थोड़ा डिले हुआ है, ये भी उन्होंने एक न्यूज़ में बताया है दोस्तों। दोस्तों अब इसका रेशियो वगैरह पे एक बार नजर मार लेते, थोड़ा आपको फिर और इसमें पता चलेगा। देखो इसका मार्केट कैप 731 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों। दोस्तों अगर ये यही एक लिस्टेड कंपनी में से है, ये और एक दूसरी भी कंपनी, लेकिन इसमें थोड़ा ये बड़े कंपनी यही है बड़ों में। इसमें अमूल से कंपेयर तो दोस्तों कर ही नहीं सकते। अमूल का पूरे साल का टर्नओवर देखेंगे तो 53,000 करोड़ पूरे साल का है, मार्च 21 का देखा जाए तो। अब इनका देखेंगे, इनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो उसका तो 1-2% ही आ गया दोस्तों। अब देखो मार्च 21 में 2,000 करोड़ के आसपास है, ये भी कम है इनका, और अमूल का 53,000 करोड़ है। तो मतलब देखो इसमें बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन ये जो तेजी से बढ़ रही है तो वो एक प्लस पॉइंट है दोस्तों इसके, कि है अच्छा खासा ये बढ़ सकता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो देखेंगे इस साल का, 500 करोड़, 600 करोड़, 900, 900, देखो 1,000, 1,400, 1,600, हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 साल में, 20 के बाद कोविड के में 2 साल में थोड़ा इसमें डाउन हुआ, जैसे आपको पता है ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है इनका, तो भी ज़्यादा चल खराब होने का डर रहता, तो ये यहाँ पर थोड़ा 2 साल में डाउन हुआ उनका सेल। और इसी तरीके से यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में भी डाउन हुआ है 2 साल में, 94 करोड़ से यहाँ पर डाउन हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन आगे चल कर दोस्तों ये अच्छा खासा करने का पूरा चांसेस है। लेकिन आगे चल के बैलेंस शीट वगैरह में देखो सब इनका अच्छा है, इनका रिजर्व देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लोन भी देखो यहाँ 400 करोड़ था, 381 लोन भी कम करते जा रहे हैं, तो है अच्छा खासा यहाँ पर साइन है दोस्तों। रेशियोज वगैरह में भी देखो पी कितना कम पी पर नजर आ रहा है, 44 का पी इंडस्ट्री है, 14 पर है आराम से दोस्तों, ये 10 गुना तो आते हैं दोस्तों। 10 गुना बोल जाए तो ऐसा ना, एक साल में 10 गुना नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये इसको 5 से 10 साल तक भी जा सकता है दोस्तों, ये कम से कम 750 तक जाने के लिए। ऐसा नहीं लिख दिया चलो पहुंच जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कुछ साल तो जाते ही हैं। अभी इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, रिवेन्यू बढ़ेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे सारा नॉर्मल हो जाएगा, तो अच्छा खासा। और डिविडेंड कम दे रही है ये, 0.65%, बहुत कम है, एक से कम है। और यहाँ पर एक डिविडेंड का माइनस पॉइंट है, उसका आरओसी ही आरओई अभी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये सब जैसे भी बढ़ेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये 15 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा इसमें स्ट्रांग मजबूती नजर आएगी दोस्तों। और हर एक लेवल पर यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स का भी हिस्सेदारी 40% है, ठीक है, लेकिन बाकी के FII DII ने अच्छा खासा हिस्सेदारी लगाई थी। प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 40.75% है, FII ने देखो 4.47 लगा के रखा है, इसमें भी देखो अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है। DIIs ने भी देखो यहाँ पर अभी भी हाल ही में जून 21 के बाद हिस्सेदारी लगा के रखा है, मार्च 21 तक भी अभी नजर आ रहा है दोस्तों। ये इसमें फंड्स वगैरह ने भी देखो, ये 6 सेंस इंडिया, अपॉर्चुनिटी 3 2, ये सब देखो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब लोगों ने अच्छा खासा इसमें पैसा लगा के रखा है दोस्तों। तो ये अच्छा खासा इसमें विश्वास दिलाता है दोस्तों, तो ये अच्छा खासा आगे चल के बढ़ने की गुंजाइश नजर आ रही है दोस्तों। और पीयर कंपनीज में भी बाकी के देखो, ये ऐसे तो ये यहाँ पर डोडला डेयरी है और पराग मिल, मिल्क का तो ये 2 ही है, बाकी का तो सब अलग अलग FMCG के है। इसमें देखो 14% तो बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पर देखो FMCG के देखो जो ज़्यादातर 100 100 के भी PE होते हैं, तो ये 100 के ऊपर आसपास ऊपर भी चला जाता है अच्छा खासा पॉजिटिव साइन में 2-4 साल में, तो ये इसका जो टारगेट हमने बताया है वो आराम से अचीव कर सकता है दोस्तों। इसके अंदर देखिए, और जो जो गिरा है, तो आपको लग रहा है इसमें क्यों गिर रहा है दोस्तों, सारा मार्केट के निफ्टी 50 हर एक शेयर गिरते जा रहे, सारे के सारे ऑलमोस्ट 80-90% 52 वीक लो पर आ गए शेयर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये शेयर गिर रहा है, तो सारे के जैसे कि सारे एक आध महीने में जैसे वापस से जैसे मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो ये शेयर भी ऊपर जाएगा, इसमें 100% गारंटी है दोस्तों। दोस्तों इसमें देखो हमने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पर आपको बताया, इसमें कोई भी एक्शन लेना है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।